मध्य प्रदेश में किसानों के सम्मान के लिए निकाली जा रही किसान कलश यात्रा शिवपुरी जिले के कोलारस पहुंची, जहां किसान कांग्रेस के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। कोलारस पहुंचकर किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष ने निजी गार्डन में किसान सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर किसानों के साथ दोहरी नीति अपनाने की बात कही। विधानसभा चुनाव को लेकर अध्यक्ष ने कहा कि अब एक बार फिर जनता के साथ किसानों को जवाब देने का समय आ गया है। कोलारस से मोनू प्रधान की रिपोर्ट। मैं लगभग अभी तक 15 कृषि उपज मंडियों में और कई केंद्रों पर जाकर मैंने निर्णय किए हैं, निरीक्षण किया, वहाँ किसान भाइयों से मिला हूँ। तौल कांटों पर मैंने जब देखा जो तुली हुई बोरी हैं उसमें किसी में 400 ग्राम का, किसी में 300 ग्राम का, किसी में 250 ग्राम का, हमारे 50 किलो पे चोरी किसान की तुलाई में हो रही है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों से कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। किसान कांग्रेस, कांग्रेस राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है, आप लोग डरे नहीं। आप तुलाई, बोरे की तुलाई जो वजन आ रहा है 500 ग्राम, वो उसके अलावा अगर 50 ग्राम भी अगर ये ज़्यादा तोलते हैं बिल्कुल मत तुलवाओ, डरने की ज़रूरत नहीं। हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे जिले के, हर जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले, वो आपका साथ देंगे, हम लोग साथ देंगे, लड़ाई लड़ेंगे।